हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज का जो टॉप आज क्लास रहेगी सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स बीए फर्स्ट ईयर की टॉपिक रहेगा। आज का टॉपिक है विभेदात्मक संरक्षण नीति और औद्योगिक विकास। मतलब कि विभेदात्मक संरक्षण नीति और औद्योगिक विकास। विभेदात्मक मतलब कि हम अलग अलग भेद कर करके जिसको हम संरक्षण देंगे उसको क्या कहते हैं नीति। संरक्षण मतलब कि अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के स्रोतों को अलग अलग टाइप से क्या करेंगे उसको हम क्या करें विभेद करके उसको संरक्षण प्रदान करेंगे। संरक्षण का मतलब होता है उसका अच्छी तरीके से देखभाल करना, रोकना, ताकि क्या हमें सतत विकास के लिए विकास के काम आए बने। तो क्या लिखा है विभेदात्मक संरक्षण नीति और औद्योगिक विकास। मतलब कि हम इस चीज को विभेदात्मक संरक्षण नीति को अगर हम क्या करेंगे विभेदात्मक संरक्षण करेंगे तो संरक्षण करने से क्या होता है आगे के लिए क्या औद्योगिक विकास में मेरे को प्रशस्त मार्ग मिलेगा। मतलब कि अगर जिस चीज को मैं चाहूंगा इसको बचा कर कि भविष्य के लिए काम ला सकता हूँ तो मेरे को उसको संरक्षण करना अति आवश्यक है। इधर क्या हो जाएगा संरक्षण नहीं करेंगे तो वो चीज ऑटोमेटिक हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, तो संरक्षण नीति क्या है कि सबसे पहले तो उसके लिए विचार किया गया था कि हम अपने भारत देश के जो औद्योगिक तरीके से जो नीति विचार हैं उन जो संरक्षण स्रोत हैं उनका अच्छे तरीके से क्या किया जाए संरक्षण करिए। तो कुछ लोगों ने किया था कि अलग अलग टाइम में किया कैसे वर्क के आधार पर किया जाए, तो इस प्रकार से अलग अलग मत हुए तो उसका नाम रख दिया था विभेदात्मक संरक्षण नीति और औद्योगिक विकास। चलिए ठीक है, देखते हैं आगे इसके लिए कौन कौन सी चीजों को हमने क्या किया था। इसमें पहला आता है लोहा, लोहा एवं इस्पात उद्योग, लोहा एवं इस्पात उद्योग को 1924 में क्या किया गया था उसको संरक्षण प्रदान दिया गया। मतलब कि लोहा एवं इस्पात उद्योग हमारी जमीन से निकाला जा रहा था तो उस समय उसको सोचा गया था कि आज इतना निकल रहा है तो आगे चले कितना निकलेगा इसमें से। मतलब लोहा जो इस्पात उद्योग है इस चीज को क्या 1924 में क्या किया गया था संरक्षण नीति प्रदान की गई थी ताकि हम इसको बचा करके रखें और इसके लिए मेरे को ये काम आने के लिए आते। ठीक है, दूसरा आता है सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग के लिए 1927 में इसके लिए क्या की गई थी संरक्षण प्रदान की गई थी। मतलब सूती वस्त्र उद्योग 1927 में इसकी क्या की गई थी संरक्षण प्रदान दिया गया था। सूती वस्त्र में क्या कहा था जूट उगाता हूँ, जूट से क्या बनाता हूँ सूती, सूती से क्या होता है सूती का कपड़ा बनाता हूँ। तो क्या लिखा हुआ है सूती वस्त्र उद्योग। मतलब कि जो सूती के जो कपड़े हम बना रहे हैं मिल खोल रहे हैं समुद्र किनारे खोल रहे हैं तरीके से, फिर मिलों को सोचा कि क्या हम इस तरीके से बना सके भविष्य में इसका काम और भी आ सकता है। तो क्या किया था 1927 में सूती वस्त्र उद्योग को क्या की गई थी संरक्षण प्रदानता दी गई थी। आगे आते हैं नंबर तीन भारी रसायन उद्योग 1931 में इसको संरक्षणता प्रदान की गई थी। भारी रसायन उद्योग मतलब कि आपने देखा होगा अपनी कृषि के लिए तमाम प्रकार के रासायनिक उद्योग मतलब रासायनिक उर्वरक चीजें निकाले जा रही हैं, कई खाद कृषि के लिए कई प्रकार के खाद बनाए जा रहे हैं रासायनिक, उसको हरी पत्ती करने के लिए पेड़ को बढ़ाने के लिए फूल तमाम प्रकार की कीटनाशक दवाई बनाई जा रही है। तो ये किससे बनाई जाती है भारी रसायन उद्योग से बनाई जाती है जो 1931 में क्या की गई थी उसको संरक्षण नीति प्रदान की गई थी ताकि इसको हम बचा कर रखेंगे आगे के लिए भविष्य में कोई तमाम प्रकार की कृषि बीमारियां फैलेंगी तो उसको हमें प्रदान देनी पड़ी जी। ठीक है, आगे आती नंबर चार है चीनी उद्योग। चीनी उद्योग को भी 1931 में संरक्षण प्रदान की गई थी। आज देखना हो अपन भारी भरकम तरीके से लोग अब चीनी का इस्तेमाल करते हैं और हर प्रकार के हर परिवार घर में आजकल चीनी बहुत ज्यादा आ रही है। तो क्या लिखा है चीनी उद्योग को भी 1931 में क्या गन्ना उगाते हैं, गन्ना से क्या करते हैं उसकी मिलों को खोल करके हम क्या करते हैं चीनी और गुड़ बनाते हैं। तो 1931 में भी क्या संरक्षण नीति प्रदान की गई थी। आगे आते हैं नंबर पांच कागज उद्योग। कागज उद्योग को 1925 में संरक्षण प्रदान दी गई थी कागज उद्योग के लिए। हमने देखा है आजकल हम कॉपी से लेकर के हर प्रकार के जो नोट बनाए जाते हैं हर प्रकार की चीजें बनाई जाती हैं तो क्या होते हैं कागज से बनाई जाती हैं। तो ये थी मतलब कि कागज उद्योग को 1925 में दी गई थी संरक्षण प्रदान दी गई थी। तो हम विभेदात्मक संरक्षण नीति को अपनाते हैं और औद्योगिक विकास की ओर अग्रसर की ओर आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, आज इतना ही, थैंक यू।